now let's move forward to 20th part of our story and discuss difficult word meanings extracted from those parts so first word is vaguely it means in a way that is uncertain indefinite or unclear Urdu mein second word is quilted it means and usually it is used for a garment for describing a bed covering etc made of two layers of cloth filled with Padding held in place by lines of stitching. Yani Razai buna Bunahua. Third word is satin. It means a smooth glossy fabric, usually of silk. Yani Reshmi Kapra. So let's move forward to the explanation of this part now. अब इस बात में क्या होता है कि मिंटा को कहा गया होता है कि अपनी माँ की बिलोंगिंग से एक बार गो थ्रू कर लो क्योंकि अगर तुम्हें कुछ रखना है वो रख लो बाकी चीज़ें हम चर्च बाज़ार को दे देंगे और आंट क्रेस जो है वो ऑलरेडी कॉल कर चुकी होती है काफ़ी मरतबा कमेटी से भी कॉल आ चुकी होती है कि जो भी बिलोंगिंग्स हमें देनी है वो आप दे दो अब वो अपनी मामा की बिलोंगिंग से गो थ्रू कर रही होती है देर सम सूट बॉक्सेस इन द क्लॉज अब उसके अंदर थोड़ी सी हेजिटेशन भी होती है वो अपनी मदर की बिलोंगिंग से गो थ्रू नहीं करना चाहती है ये बहुत ही वियड बात है कि अभी इसकी मदर की डेथ हुई होती है तो वो क्यों अपनी मदर के कपड़ों को नहीं देखना चाहती होती है वो कुछ भी याद नहीं करना चाहती होती वो उस इमोशन से नहीं गुजरना चाहती होती हर हैंड्स फिल स्लाइटली एंड स्टडी एंड शी पुल्ड ओपन द टॉप ड्रेस ड्रॉर और उसके अंदर से फिर वो अपनी माँ के हैंड कर्चीफ यानी रुमाल देखती है उसकी स्टॉकिंग्स देखती है और फिर उसके ग्लव्स जो एक टिश्यू रैपिंग में बंद होते हैं वो देखती है और उसको फिर से वो सारी चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं उसको रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है दैट हर मदर इज़ नो मोर और फिर वो फ़ौरन से कहती है आई कान डू इट मैं नहीं कर सकती है शिटोल हर सेल्फ और वापस से वो सारी चीजें अंदर डाल के चीजों को बंद करना शुरू कर देती है फिर वो कहती है वंस शी हेजिटेटेड एंड ऑलमोस्ट लिफ्टेड अ सॉफ्ट वूल स्वेटर एक वूल स्वेटर वो बॉक्स में से उठाती है ये वो वूल स्वेटर होता है जो वो अपनी मदर से बहुत बार बोरो करके पहनती थी और वो जितनी बार भी अपनी मदर से ये वूल स्वेटर बोरो करती थी उसकी मदर कहती थी तुम जितनी बार भी ये वूल स्वेटर मेरे से मांगती हो और मांग के पहनती हो मुझे उतनी बार तुम्हें क्रिमिनल फील होती Obviously, एक एक को ऐसा ऐसा सोचना नहीं नहीं चाहिए और उसकी mother ऐसा सोचती भी नहीं थी वो फन वे में कहती थी and उसको मिंटा भी fun way में लेती थी सो so, मिंटा को ये सारी चीजें देख के फ्लैश आना शुरू हो गए याद आना शुरू हो गई दैट्स शी वॉज हेजिटेटिंग वर्ड इज

लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ the sweater द स्वेटर other things और उसने बॉक्स को बंद कर दिया अब सारे कपड़े बॉक्स में हैं बॉक्स को उसने क्लाजेट में रख दिया जब वो अपनी मदर के रूम का डोर खोलती है तो उसको बहुत ज्यादा नोस्टाल फील होता है उसको फील होता है कि उसकी मदर जो है उसके आसपास ही हैं क्योंकि जो उसके मदर की बॉडी का सेंट होता है उसके सारे कपड़ों पे होता है इसलिए वो अपनी मदर की चीजों को गो थ्रू नहीं करना चाह रही होती अब फेंट परफ्यूम क्लंग टू मोस्ट ऑफ अर गार्मेंट फिर वो अपने मदर के सारे कपड़ों को देखती है हाउस कोट टैन पोलो कोट स्कारलेट जैकेट और फिर ब्लू को देख हो यानी जल्दी, जल्दी वो अपने अनकंट्रोल्ड इमोशंस के साथ फ्रेंटिक मतलब अनकंट्रोल्ड इमोशंस के साथ सारी चीजों को पैक कर रही होती है उसके ऊपर बॉक्सेस के ऊपर कवर दे रही होती है एक के ऊपर एक चीजें फेंक रही होती है ढेर लगा के पैक कर रही होती है कोई तरतीब या ऑर्गेनाइज वे से नहीं कर रही होती है क्योंकि वो जान छुड़ा रही होती है उसे उन चीजों से मूव नहीं होना होता एट द वेरी बैक ऑफ द क्लोजेट वो दो सूट केसेस देखती है जो कि सेम कलर के होते हैं सेम डिजाइन के होते हैं जब वो गौर करती है तो ये वो सूट केसेस होते हैं जो मिंटा की मदर को उसके फादर ने गिफ्ट किए होते हैं मिनटा उसको ड्रैग करके अपने पास करने की कोशिश करती है लेकिन जब वो ड्रैग करती है उसे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं लाइक रियली टू हैवी फिर वो क्या करती है अपने पास कोशिश करके खींच लेती है और उनका कवर जब खोलती है तो वो सामने जो देखती है वो देख के वो एकदम शॉक हो जाती है स्टन हो जाती है स्टांडर्ड हो जाती है वो ऐसा क्या देखती है लेट्स सी Let's move on to twenty-second part and discuss difficult word meanings. First word is sprigs. It means a small branch of a plant with leaves on it, yani teni. Second word is dashed. It means to wipe something quickly, yani pochna. Let's move on to its explanation now. डजनस एंड डजन्फ बॉक्सेस जो वो बॉक्स खोलती है उसके अंदर क्या होता है बहुत सारे गिफ्ट बॉक्सेज होते हैं जो कि ब्यूटिफुल रेड कलर के रिबिन से पैक होते हैं बहुत अच्छी पैकिंग में होते हैं वो क्रिसमस गिफ्ट होते हैं और सिर्फ मिठा के लिए ही नहीं होते हैं बल्कि सारे नेबर्स के लिए कैलेज के लिए होते हैं आर्ट क्रेस के लिए होते हैं अंकल आर्ट के लिए होते हैं मिठा के फादर के लिए होते हैं सो ये सी ये उसकी मदर ने पूरी प्लानिंग की होती है और ये जो क्रिसमस की तैयारी कर रही होती थी वो बहुत देर पहले से शुरू कर रही होती थी क्रिसमस की तैयारी वो इस वजह से कर रही होती थी ये सारे क्रिसमस गिफ्ट्स थे जो उसकी मदर ने कलेक्ट किए हुए थे फिर जो है मिंटा एक पैकेज पकड़ती है उसके ऊपर लिखा होता है फ्रॉम मदर विद लव टू मिंटा वो पैकेज क्या होता है वो जैसे ही पकड़ती है उसको आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर एक फ़ोटो फ्रेम है और वो फ़ोटो जब ली होती है मिंटा को वो टाइम पे याद होता है क्योंकि मिंटा हमेशा अपनी मदर को टीज करती होती थी कि मेरी आपके साथ कोई भी अच्छी फ़ोटो नहीं है और जो है उसमें आप ऐसे लग रहे हो कि आप जेल से भागे हुए कह रही हो थैंक यू